गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जैसा कि नेम से ही क्लियर है सेलेक्टिव मतलब वो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जहां पर आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मेजर्स ले रहे हो यहां पर आप जो रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे हो क्रेडिट वो एक स्पेसिफिक सेक्टर कमोडिटी या एरिया के लिए है. करते हो ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है नेचर में और ये पूरी होल इकोनॉमी पे अप्लाई नहीं होता फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने चेक करने हैं जो प्राइस राइज हो रहे हैं वीट के इंडिया में तो जो रिजर्व बैंक है वो अपने मेम्बर बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वो लोन नहीं देंगे अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वीट जो ट्रेडर्स हैं उन्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा दी परचेज ऑफ वीट और इसलिए वो ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में वीट को बाय नहीं कर पाएंगे जिससे जो डिमांड का प्रेशर है वीट पर वो कम हो जाएगा तो इस मेजर से जो वीट के प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे तो जो क्रेडिट स्क्वीज है मतलब जो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो सिर्फ वीट के लिए कर रहे हो तो इसीलिए ये जो मेजर्स हैं इनको सिलेक्टिव कंट्रोल नाम दिया गया है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है वो रिजर्व बैंक को राइट देता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए तो कौन कौन सी टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के जो जनरली अडॉप्ट करती है आरबीआई हम देख लेते हैं फर्स्ट है आपका चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन्स मार्जिन का मतलब क्या होता है जब आप लोन देने जाते हो तो आप कोई सिक्योरिटी रखते हो उस सिक्योरिटी की जितनी मार्केट वैल्यू होती है आपको उतने का लोन नहीं मिलता है. आपको उस मार्केट वैल्यू से कम का लोन मिलता है तो जितने परसेंट कम का मिल रहा है वो जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिन तो मार्जिन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन लोन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आरबीआई फिक्स करती है डिफरेंट टाइप्स के लोन्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के लोन्स के लिए डिफरेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट है अगर मार्जिन परसेंटेज ज्यादा होगी तो आपको लेस लोन मिलेगा सर्टेन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के लिए और सेम तरीके से वाइजा वर्सा अगर जो मार्जिन है वो कम होगा तो आपको ज्यादा लोन मिलेगा

यहाँ पर आरबीआई मॉरली परसुएड करती है मेंबर बैंक्स को कि वो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू करे आरबीआई कन्विंस करती है कमर्शियल बैंक्स को कि वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर को लोन ना दे फ्रॉम टाइम टू टाइम जो आरबीआई है वो मीटिंग्स करती है बैंक्स के साथ उनका कॉपरेशन डिमांड करती है ताकि इफेक्टिवली जो कंट्रोल है वो किया जा सके थ्रू मॉनेटरी सिस्टम देन नेक्स्ट इज योर क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम ये जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की थी आरबीआई ने 1965 में इस स्कीम के अंडर जो बैंक्स हैं उन्हें ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से लोन सेंक्शन करने से पहले अगर वो किसी भी सिंगल पार्टी को एक करोड़ से ज्यादा का लोन दे रहे हैं जो ये अमाउंट है लिमिट की ये चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम इसे 1986 में इंक्रीज कर दिया गया था करोड़ रुपीस और बाद में 1988 में 1988 इस स्कीम को आरबीआई ने अबॉलिश कर दिया नेक्स्ट इज क्रेडिट मॉनिटरिंग इसके अंदर इस अरेंजमेंट के अंदर जो आरबीआई है मॉनिटर करती है स्क्रूटनाइज करती है सभी सैंक्शंस को जो बैंक लोन की हुई है अगर वो एक्सीड कर रही है फाइव करोड़ रूपीज से किसी भी सिंगल पार्टी को फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करेगा और उसके बाद ही कमर्शियल बैंक्स उनको सेंक्शन कर सकता है नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो आरबीआई है वो किसी भी कमर्शियल बैंक को किसी भी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए कह सकता है और अगर वो आर के ऑर्डर नहीं मानते हैं तो जो आर है वो उस मेंबर बैंक के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं वो उनको लोन देना बंद कर सकते हैं मेंबर बैंक को बंद करने के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को द नेक्स्ट इज रिवाइज्ड सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट ये जो सिस्टम है डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट का ये रिवाइज किया गया था 1995 में ये एप्लीकेबल होता है उन बोरोअर्स के लिए जो डिमांड करते हैं लोन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो ऑब्जेक्टिव है इस लोन सिस्टम का वो ये कि बेटर यूटिलाइजेशन हो बैंक क्रेडिट का बाय लार्ज बोरोअर्स इस स्कीम के अंडर जो 75% परसेंट होगा जो लोन डिमांड किया है पर्सन ने वो सेंक्शन होगा एज लॉन्ग टर्म लोन और जो रिमेनिंग 25% परसेंट है उसे आप अलाउ करोगे शॉर्ट पीरियड के लिए फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ओनली देन नेक्स्ट इज सीलिंग्स ऑन लोन जो सीलिंग ऑन लोन है किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए बैंकिंग सेक्टर जो किसी को दे सकता है उसे फिक्स किया गया है फाइव करोड़ रूपीज से पर इसका मतलब है कि जो बैंक है वो मैक्सिमम 500 करोड़ रुपीस का लोन सेंक्शन कर सकता है किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट है एक्टिव पॉलिसी जब प्लानिंग इंडिया में शुरू हुई इन नाइनटीन जो मॉनेटरी पॉलिसी थी आरबीआई की उस टाइम पे पैसिव पॉलिसी थी आरबीआई जो है वो मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी के यूज नहीं करती थी टू रेगुलेट दी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जांपल 1935 से 1951 तक जो बैंक रेट है वो तीन परसेंट रहा बट सिंस 1951 जो आरबीआई है उसने फॉलो की एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी और उसने सभी मेजर्स लिए क्रेडिट कंट्रोल के द नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड मनी सप्लाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के वो अचीव करती आई है कॉन्ट्राडिक्टी ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन के और प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा मनी सप्लाई की जरूरत होती है जबकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है अगर आर को लगता है कि क्रेडिट रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो वो क्रेडिट को एक्सपैंड करेगी और अगर आर फील करती है कि इन्फ्लेशन राइज कर रही कर रही है, कर रही है तो वो क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है तो जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को ये कॉन्ट्राडिक्टी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सीजनल वेरिएशन जो मोनिट्री पॉलिसी का करेक्टरिस्टिक है वो चेंजिंग बिहेवियर ऑफ बिजी एंड स्लैक सीजन के ऊपर डिपेंड करता है जो सीजन हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं एग्रीकल्चरल सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं बिजी सीजन में डिमांड होती है की सीजनल नीड्स हैं फाइनेंसिंग की प्रोडक्शन के लिए इन्वेंटरी बिल्डिंग के लिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए तो ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग स्लैक सीजन लेस डिमांड होती है फंड्स की तो बिजी सीजन में जो आरबीआई है वो क्रेडिट को एक्सपैंड करती है और स्लैक सीजन में जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करती है नेक्स्ट इज फ्लेक्सीबल जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन मार्केट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है फंड्स की मार्केट में तो जो आर है वो लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करती है बैंक रेट कम कर देती है सी आर आर रेपो रेट्स इंटरेस्ट रेट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर देती है फॉर एग्जाम्पल अगर आर को लगता है कि इकोनॉमी को नीड है ज्यादा फंड्स की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो आर लिबरल मॉनिटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और जहां उसे लगता है कि इन्फ्लेशन हाई है, तो आरबीआई डिक्रीज कर देगी सप्लाई ऑफ मनी इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए और उसके लिए वो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी को एडॉप्ट करेगी नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो कम होना चाहिए जबकि सेविंग्स को इनकरेज करने के के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉजिट ऊपर वो हाई होना चाहिए तो जो मॉनेटरी पॉलिसी एडॉप्ट करती है रिजर्व बैंक जो एडोप्ट करता है वो बोथ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेड है वो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए एडिक्वेट फंड्स लोन्स जो है, जो, है, है, of of जो, है, जो है वो अवेलेबल करवाती है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए एट रिजनेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो रिजर्व बैंक है वो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स के ऊपर रिजनेबली हाई रखता है ताकि सेविंग्स को अट्रैक्ट कर सके नेक्स्ट इज वाइड रेंज ऑफ मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जो रिजर्व बैंक है वो वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है क्रेडिट कंट्रोल के जो ऑलरेडी हम अपने पिछले टॉपिक uh, में डिस्कस कर चुके हैं उनको यूज करता है वेरियस इकोनॉमी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस और क्रिटिकल इवेलुएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया फर्स्ट इज लिमिटेड स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रियलिटी अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही माइनर रोल है इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रिजर्व बैंक है उसे प्री जो रोल है वो नहीं दिया गया है इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आरबीआई से सिर्फ इतना जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने ये देखना है कि अवेलेबिलिटी एडिक्वेट फंड्स की होती रहे इकोनॉमी में जो डिसीजन है रिगार्डिंग करेंसी प्रिंट होनी है या नहीं होनी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है और वो आरबीआई को बताती है तो जो आरबीआई का कंट्रोल है मनी सप्लाई के ऊपर वो बहुत कम है नेक्स्ट इज लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन जो मॉनेटरी पॉलिसी है रिजर्व बैंक की वो सिर्फ लिमिटेड रोल प्ले करती है इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन प्रेशर जो प्राइसेस हैं वो बहुत सारे और भी फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं मनी सप्लाई तो सिर्फ एक फैक्टर है उसमें तो जो अदर फैक्टर्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल से बाहर है तो इसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो एडवर्स सप्लाई सिचुएशन से भी होता है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अगर कम होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत लेस इफेक्टिव होगी इन कंट्रोलिंग प्राइसेस द नेक्स्ट इज पुअर बैंकिंग हैबिट्स जो लोग हैं जो इंडियन मासिस हैं उनकी बैंकिंग हैबिट्स बहुत पुअर हैं और जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की वो हैंडल होती है बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कहाँ से करते हैं उस डिपॉजिट से करते हैं जो पब्लिक बैंक्स में करती हैं लेकिन इंडिया में लोग प्रेफर करते हैं कैश को यूज करना बजाय चेक्स के तो जो एक मेजर पोर्शन है कैश जो है वो कंटिन्यू रहता है सर्कुलेशन में इकोनॉमी में मनी का जो एक मेजर पोर्शन है कैश और तो जो बैंक्स हैं उनमें वो डिपॉजिट की फॉर्म में नहीं रह पाता है जिसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है बैंक्स की वो कम हो जाती है और उससे जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का हेंडर होता है और वो हेंडर करता है फंक्शनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को नेक्स्ट इज अंडर डेवेल्प्ड मनी मार्केट जो मनी मार्केट है इंडिया में वो अंडर डेवलप्ड है मनी मार्केट मतलब मार्केट जहा पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स आरबीआई सिक्योरिटीज को आप परचेज और सोल्ड कर रहे हो तो जो वीक मनी मार्केट है वो लिमिट कर देती है एफिशिएंट वर्किंग मॉनेटरी पॉलिसी की और मनी मार्केट में भी दो पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में काम करेगी तो जो भी उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स वो चाहती है मॉनेटरी पॉलिसी वो उसे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की वजह से नहीं मिल पाते हैं देन नेक्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी ब्लैक मनी की एग्जिस्टेंस जो इकोनॉमी में है वो लिमिट कर देती है मॉनेटरी पॉलिसी की वर्किंग को क्योंकि ब्लैक मनी जब सर्कुलेशन में है तो मनी सप्लाई जो सर्कुलेशन में है उसमें वो काउंट नहीं हो रही है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो रिकॉर्डेड नहीं है बोरुअर्स और लेंडर्स उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं अपनी ट्रांजेक्शन सीक्रेट्स कर सीक्रेट कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल रेगुलेट नहीं कर पाती है ब्लैक मनी को इन अकॉर्डेंस विद द दब्जेक्टिव ऑफ मॉनिट्री पॉलिसी तो जो इफेक्टिवनेस है पॉलिसी की वो कम हो जाती है नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव जो मॉनिट्री पॉलिसी है उसकी ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री ऑब्जेक्टिव हैं एक को अचीव करने के लिए आपको मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा और दूसरे को अचीव करने के लिए आपको मनी सप्लाई को ज्यादा करना पड़ेगा तो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव नहीं हो पाते जो बैलेंस है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव में वो अचीव नहीं हो पाता है देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉर्डिनेशन विद फिजिकल पॉलिसी इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच